जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया है, अगर आपने उसको डिस्क्रिप्शन नहीं देखा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका देख सकती है। हमने कंपेयर किया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस होता है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से दिया गया, क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या डीपीएसपी होता है। अब हम पढ़ते हैं उसके आर्टिकल्स के बारे में। हम जाते हैं आर्टिकल 36-51 डीपीएसपी में आता है, तो अभी हम पहले उसका आर्टिकल 36 देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के बारे में बताया जाता है उसको आर्टिकल 36 में आता है। डिफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है, हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इसकी प्रावधान है, क्या इसकी जरूरतें हैं, कौन कौन से सोशल इश्यूज लिए गए हैं इसमें, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या पब्लिक को क्या इस पे राइट्स हैं, इसके बारे में डिफिनेशन ऑफ डीपीएसपी में बताया गया है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। इसका मतलब होता है कि देश में जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से एक लॉ बनाए जाकि उस देश में रह रहे लोगों का स्टेटस इक्वल हो सके। इसका मतलब आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए वहां रह रहे नागरिकों का स्टेटस इक्वल हो सके। इस चीज को मायने में रखे कोई भी लॉ बनाए। हम जानते हैं कि डीपीएसपी के थ्रू हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के तहत अपने फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन पे हम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रावधान हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लिया है। आर्टिकल 39 क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। इट मीन्स दैट किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी भी एक काम के लिए, अगर वो चाहे महिला कर रही हो या पुरुष कर रहा हो, चाहे महिला कर रही हो या पुरुष कर रहा हो, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 कहता क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल और फॉर मैन एंड वुमेन। फॉर मैन एंड वुमेन इट मींस देन अगर कोई एक काम है जो पुरुष और महिला दोनों कर रहे हैं एक सेम काम को, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए डीपीएसपी आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग। अगर कोई एक काम है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक पर्टिकुलर कोई काम कर रहा है किसी ऑफिस या कंपनी में, अगर वही सेम काम महिला या पुरुष कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पुरुष है तो उनको सैलरी ज्यादा मिले और महिला उनको सैलरी कम मिले। ऐसा होता नहीं है हर जगह पे, लेकिन ये कानून में दिया गया है। आप जानते हैं कि डीपीएसपी के कंडीशन में हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में हम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर। इट मींस दैट सरकार को इस तरह के कानून बनाने चाहिए जहां रह रहे देश में रह रहे लोगों को कानूनी मदद मिले, टू द फ्री लीगल एड, देश में रह रहे लोगों को कानूनी मदद मिले। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इट मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ज्यादा से ज्यादा गांव पंचायत, यानी कि पंचायती राज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो हम आगे पढ़ेंगे। पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल अथॉरिटीज क्या होती हैं, तो ये आपका आता है गांधीयन प्रिंसिपल में, ये आपका आता है गांधीयन प्रिंसिपल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मतलब देश में ज्यादा से ज्यादा पंचायत बनाया जाए जिससे जमीनी तौर पे, यानी कि जमीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ये है आर्टिकल नंबर आपका 40। आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड द पब्लिक एसेट्स इन द सर्टेन केसेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राइट टू वर्क, सरकार को काम करना चाहिए, टू एजुकेट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक ऐसे मतलब पब्लिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सर्टेन केसेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बेरोजगार है तो सरकार को इस तरह से कानून या इस तरह के प्रावधान लाना चाहिए जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिले, ओल्ड एज होम यानी कि जो वृद्धाश्रम है उसके ऊपर काम किया जा सके, कैसे कि उसकी वृद्धाश्रम को कम किया जाए और उनके परिवार द्वारा उनका देखभाल किया जाए, सीखने या कमजोरी के प्रति उनका क्या दिया जाए, डिसेबिलिटी यानी कि अगर कोई अपंग है या विकलांग है जिसको प्रज्ञा कहा जाता है, उन लोगों को कैसे अच्छी सुविधाएं मिल सके या सरकार उसके अच्छे कैसे प्रावधान करके उनकी सुविधाओं को और बढ़ा सके, ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 41। तो हमने आर्टिकल 30 से 41 देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं डीपीएस यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्यों का अगर कोई कानून बना रहा है, राज्य यानी कि गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉलिटी में स्टेट को गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से माना जाता है,
ऐसा कानून बनाए जो इन चीजों को डीपीएसपी को रख के अपने ध्यान में कानून बनाए।